आगामी चुनाव है और बड़ी उथल पुथल राजनीति में चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी क्या अलग से चुनाव लड़ेगी महानगर पालिका की? ऐसा है कि हम पहले से कहते आ रहे हैं, वो उलट पुलट जो होनी है होने दो, पर अगर ये एक उलट पुलट खास करके लोकतंत्र में, लोकतंत्र को बेच के और लोकतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुन के आए हुए लोगों को खरीद फरोख करके अगर होती है तो वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ये जो सरकार मौजूदा है, एक तो वो महाराष्ट्र द्रोही है ही, मुंबई द्रोही है ही, उसके अनेक कार्यक्रम ये है कारण है इस वक्त, वो सब्जेक्ट नहीं इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक ये उलट पुलट का जिसका आपने जिक्र किया, मैं बताना चाहता हूँ कि ये उलट पुलट जो भी हो, कांग्रेस पार्टी अपना वजूद इस मुंबई में रखे, सालों से रखे हैं। 227 जब वार्ड थे, अभी तो 236 हुए हैं, ये 227 वार्ड पे लड़ने वाली एकमेव पार्टी है वो है कांग्रेस। अभी तक किसी भी पार्टी ने 227 उम्मीदवार नहीं दिए। सर आप गठबंधन नहीं करने वाले हैं राष्ट्रवादी से? एक बात जब मैंने कहा, आपका सवाल जरा सोच के पूछिएगा, ये कोई पहला मीडिया मैं नहीं देख रहा हूँ। वो जो मोदी के गोदी में बैठे ना, उन्हें भी इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ। हमने पहले दिन से कहा है कांग्रेस अपना खुद की लड़ाई लड़ेगी, मेरे पार्टी की लड़ाई नहीं। उसे इससे है, उससे है, फिर RPI से पूछोगे तो वो उसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। आपकी आगामी सरकार में दोनों पार्टी जो है साथ थी, इसके लिए ऐसा सवाल पूछा गया कि क्या राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी दोनों साथ में महानगर पालिका का चुनाव लड़ेगी, क्योंकि BJP मनसे और शिंदे गुट साथ में चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, ये अच्छी बात है, पर आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, ये तो 2022 की बात कर रहे हैं, मैं 2000 से लेके 2014 तक 15 साल हम साथ में थे, उसमें राष्ट्रवादी हमारे साथ थी, बाकी भी पार्टियां थी, पर हम साथ में नहीं लड़े चुनाव मुंबई के, हम अलग अलग लड़े, तो इसमें नई बात क्या है? जैसे सर आपने बताया कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया, तो राम मंदिर बनाने के लिए इतना देरी क्यों कांग्रेस ने किया? कांग्रेस क्यों करेगी, वो जो जिन्होंने राम, हमारा तो पूछना ये है, ईंटों के ले ईंटे तक यहाँ से ले गए थे, याद है आपको, लोहा लेके गए थे, पैसे तो लेके गए, जहाँ तक मैं जानता हूँ लोगों के चंदा जमा हुई है, वो ये जो ट्रस्ट है 1300 करोड़ रुपया जमा हुए हैं, तो कांग्रेस ने क्या किया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो 1300 करोड़ से मंदिर का निर्माण 9 साल में क्यों नहीं हुआ, ये सवाल है। कांग्रेस मंदिर का जो आदेश आया था बनाने का अयोध्या में, तो उसका विरोध क्यों कर रही थी बार बार? कभी भी कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, उल्टा ये मामला जो कोर्ट में चला वो कांग्रेस की जब सरकार थी तो सारा दस्तावेज, सारे प्रूफ कांग्रेस ने दिए हैं। क्या महाराष्ट्र की राजनीति, जैसे आपने जय श्री राम बोला, क्या आपके खिलाफ पार्टी जो है जय श्री राम बोलने की वजह से कोई कार्रवाई करेगी? ये आपके आपके घटिया सवाल का मैं जवाब नहीं देना, क्योंकि ऐसा ही कई जगह पे ममता बनर्जी ने इसका ऑब्जेक्शन लिया था, कई लोग ने आपके पार्टी के जो थे इस पे ऑब्जेक्शन लिए थे कि हम जय श्री राम मन में बोलते हैं, बाहर दिखावा नहीं बोलते। तुम्हारे घटिया सवाल का मैं जवाब इसलिए नहीं देना चाहता, मैं ये पहली बार जय श्री राम नहीं कह रहा हूँ, और तुम कह रहे हो इसलिए नहीं कह रहा हूँ, हमारे दिलों में राम बसते हैं, इसलिए हमने कहा कि जो राम जी का नाम लेके राजनीति करते हैं और जो मोदी जी के गोदी में बैठ के इस तरह का मीडिया चलाते हैं, उनका उनको मेरा सवाल है कि ये जो राम जी का नाम लेके जाप करके राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने कब राम जी के इस ताला खोलने का कभी काम किया था? वाजपेयी जी खुद रहे 7 साल प्रधानमंत्री, बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए उस दौरान। अभी कई घटनाओं के बाद सर एक हलचल मची है PFI पे, थोड़ा सा PFI बताएंगे? चलिए, वो तुम्हारा काम भी नहीं है और तुम्हारा ये भी नहीं है उसमें। हमारे YouTube चैनल को आप इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन को दबाकर हमें अलर्ट कीजिए और आपके बीच, आपके गांव में, आपके शहर में, तहसील में इर्द गिर्द जो भी घटनाएं होती हैं उसकी सूचना आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और हमारी खबरों की इसी तरह आप सब देखते रहिए। हम बड़े बड़े खुलासों की इसी तरह आपके बीच प्रकाशित करते रहेंगे।